अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस रशीदा जान, जो पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा ब्रांच में आपको उर्दू पढ़ाती है। बच्चे, आज जुमाते दहम का अगस्त के महीने का SVT है उर्दू का, और ये अगस्त के महीने का लास्ट लेक्चर है मेरा। लास्ट उर्दू का क्वेश्चन भी है और लेक्चर भी है। और जैसा कि आपको पता है कि SVT के अपने नंबर होते हैं, तो इसलिए इसका करना आप लोगों के लिए लाजमी होता है। और बच्चे, आपके जून और अगस्त के SVT के नंबर सितंबर के असेसमेंट में ऐड होंगे। चलें अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है लेक्चर नंबर 4 का? वालिदैन के एहतराम पर 10 सतूर लिखें। सतूर किसे कहते हैं? लाइनों को। तो देखें, वालिदैन के एहतराम में, वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया में हमसे अगर कुछ गुम हो जाए तो वो मिल जाता है, लेकिन वालिदैन अगर चले जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। दूसरा है, जन्नत माँ के कदमों तले है। जो इंसान अपने माँ बाप को खुश रखता है तो अल्लाह ताला उसको भी खुश रखता है और उससे खुश होता है। आगे है, इस्लाम हमें सबसे पहला दर्स वालिदैन से हुस्न सलूक का देती है। इस्लाम ने वालिदैन को आला मकाम अता किया है। आगे है, वालिदैन की खिदमत औलाद पर फ़र्ज़ है, क्योंकि वालिदैन ने गर्मी या सर्दी की परवाह किए बग़ैर अपने बच्चों की परवरिश की होती है और अपने बच्चों को पाला होता है। नंबर 5 है, गुनाह कबीरा में सब ये भी है कि जो अपने वालिदैन को गाली दे, यानी अगर कोई किसी दोस्त की माँ को भी गाली दे तो उसका गुनाह इसके वालिदैन को मिलता है। नंबर 6 है, वालिदैन की खिदमत जहाद में भी आता है। जिसके वालिदैन जिंदा हो और वो उसकी खिदमत करे तो उसका सवाब जहाद जितना ही उसको मिलता है। नंबर 7, वालिदैन के रिश्तेदारों और दोस्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 8, वालिदैन का ख्याल रखा करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा बाद में ख्याल रख सके। आगे है, नंबर 9, वालिदैन को हर हाल में खुश रखना चाहिए। नंबर 10, वालिदैन का हद दर्जा एहतराम करना बच्चों पर फ़र्ज़ है। फिर लास्ट में एक शेर है, जो खिदमत ना की उसने माँ बाप की तो फिर ज़िंदगी है तेरे पाप की, यानी फिर ज़िंदगी में तुझे गुनाह मिलना शुरू हो गए। लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शाहिद अहमद देलवी के दादा मौलवी नज़ीर अहमद पर पैराग्राफ लिखें। मौलवी नज़ीर अहमद हमने 9 में पढ़ा था, जो कि पहले नावल निगार भी थे। ये जुमाते नहम की किताब में पेज नंबर 33, जुमाते नहम की किताब में पेज नंबर कौन सा है? 33 में हम आते हैं, पेज नंबर 33। बच्चे देखें आप, इसमें है, मौलवी नज़ीर अहमद बजनौर के गांव रेहड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और फिर दिल्ली आ गए। यहां पर अब्दुल खालिक के मदरसे से अरबी की तालीम शुरू की और तालीम से फारिग होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर मदरस किया। 1857 के हंगामे में एक अंग्रेज़ ख़ातून की जान बचाई, जिसकी वजह से इनको क्या मिला था? इनको डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया था, यानी इसको तहसीलदार बनाया गया और बाद में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, क्योंकि इनको, अंग्रेज़ों को इनका ये अमल बड़ा पसंद आया था। इन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का ख़िताब भी मिला। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। इन्होंने नावलों के ज़रिए माशरे की असलाह की, जिस तरह के सर सैद ने मज़ामीन के ज़रिए और उसकी माशरे की असलाह की। इन्हें औरतों की ज़ुबान लिखने पर भरपूर कुदरत हासिल है। उर्दू अदब में मौलवी नज़ीर अहमद का मकाम बहुत बुलंद है। तो ये क्या था? मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उर्दू के क्वेश्चन नंबर 6, लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू के 5 नसर निगारों के नाम बमाए तस्वीर तलाश करके लिखें। 5 नसर निगारों के नाम आपकी अपनी बुक में ही हैं। हर एक नसर निगार के साथ उसकी अपनी तस्वीर लगी हुई है। अपने 10th क्लास की बुक निकालें और पहला ये आप उसमें देख लें। पहला कौन सा है? शाहिद अहमद देलवी। 10th क्लास की बुक शाहिद अहमद देलवी देखें। शाहिद अहमद देलवी मुसन्निफ है, नसर निगार है, साथ में उसकी तस्वीर भी लगी हुई है। फिर उसके बाद कौन सा है शाहिद अहमद देलवी के बाद? आप देखें, अशरफ सबूही,
साथ में उसकी अपनी तस्वीर भी लगी हुई है, अशरफ सबुई के साथ उसकी अपनी तस्वीर भी लगी हुई है। उसके बाद आए डॉक्टर वहीद कुरैशी नंबर 3 में, मुसन्निफ़ या नसर निगार कौन है, वहीद कुरैशी, साथ में उसकी अपनी तस्वीर भी लगी हुई है। अब आगे हैं इसके बाद कौन है, उसके बाद है हाजरा मसरूर को देखें नंबर 4 में, नसर निगार है ये, मुसन्निफ़ा है और साथ में उसकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो आपकी अपनी बुक में इसकी तस्वीर भी हैं और इसके नाम भी मौजूद हैं। अब आगे भी है नसर निगार और उसकी तस्वीर देखें, अजमल नज़ीर, साथ में उसकी अपनी तस्वीर भी लगी हुई है। तो आपकी अपनी क्लास 10 में ही नसर निगार भी हैं, साथ में उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं। चलें बच्चे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट SVT लेक्चर था उर्दू का अगस्त के महीने में, और इसको करना भी लाजमी है ताकि आपको नंबर मिल सके। जाते जाते हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं।